ध्यान देना बोर्ड पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टोर लेजर, और इसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी कहा जाता है। सबसे पहले स्टोर लेजर का क्या काम है, किस तरीके से होता है, मैं पहले उसकी बात करता हूँ। स्टोर लेजर का मतलब बेसिकली है क्या, एक मेरा गोडाउन है, एक गोडाउन है हमारा मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि इस गोडाउन से गुड्स को भेजा जाता है एक शोरूम में, इस गोडाउन से माल भेजा जाता है एक शोरूम के अंदर, और इस गोडाउन के अंदर माल आता है एक फैक्ट्री के अंदर से, फैक्ट्री के अंदर से। अब यहां से सामान यहां पहुंचेगा, यानी ये यहां पे इन होगा, यानी ये गोडाउन सामान बेचने का राइट्स नहीं है इसके पास, और ना ही खरीदने का है। इस वाले डिपार्टमेंट का तो सिर्फ इतना सा काम है, कोई सामान आया तो अपने पास ले लो, और अगर यहां से ऑर्डर आया तो उसको दे दो। यानी कोई सामान आया ले लो, यानी इसका मतलब रिसीव कर लो, और अगर कोई मांगता है तो उसको दे दो, इसका मतलब इशू कर दो। सोल्ड करने की जिम्मेदारी तो हमारे शोरूम की रहेगी, ठीक है। एक हो गया हमारा रिसीव, एक हो गया इशू। कई बार ऐसा हो सकता है कि इस स्टोर को कोई सामान बोला, यार तेरे से क्या भिजवाया था, तूने क्या भिजवा दिया गलती से, तो ये इसको क्या कर देगा, रिटर्न। कई बार यहां हो सकता है कि इसने कुछ और भेजा, इसने कुछ और भिजवा दिया, तो ये भी इसको क्या कर देगा, रिटर्न। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। कई बार सामान मेरे गोडाउन में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने शोरूम के बोल दिया हाँ माल तो पड़ा हुआ है, हो सकता है ना ऐसा पॉसिबल। उसने फोन करा, मैं आज छुट्टी पे हूं और मुझे पता नहीं है गोडाउन का हाल, मेरे पास फोन आया, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा था, शोरूम वालों ने बोला अरे ये 10 पीस पड़ा होगा क्या, मैंने बोला हाँ, और एक तरीके से मैंने तो इसको इशू कर दिया, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं। तो इस तरीके से भी हो सकता है, जिसको शॉर्टेज भी बोलेंगे आगे चल के, ठीक है। तो बेसिकली जो ये यहाँ पे एक जो अकाउंटेंट बैठेगा ना, वो रिसीव की और इशू की डिटेल को रखेगा, उसको हम बोलते हैं स्टोर लेजर, ठीक है। अब स्टोर लेजर दो तरीके से इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो यहाँ का ये अकाउंटेंट है इसके ऊपर दो तरीके से बना सकता है। एक तो वो डेली डेली काम करे, जैसे आता है इंस्टेंटली रिकॉर्ड कर ले, और एक होता है कि हफ्ते का एक दिन बैठ के करे वो काम, पूरे हफ्ते कुछ और काम करता है वहीं ऑफिस में, एक हफ्ते के एक दिन ये कितना माल आया कितना माल गया उसको लिख के रखे और एक दिन रिकॉर्ड करे। तो या तो पॉसिबल है कि डेली बेसिस पे करे, या पॉसिबल है कि वीक में वन डे कर ले, मंथ में वन डे कर ले, 5 डे में वन डे कर ले। तो जो डेली काम करते हैं ना उसको परपेचुअल बोलते हैं, और जो आपका टाइम गैप लेके जो रिकॉर्डिंग करता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है। तो हम जो अभी करने जा रहे हैं स्टोर लेजर, ये कर हिसाब से। तो परपेचुअल का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि काम अभी हुआ और उसका रिकॉर्डिंग अभी हो जाना, और पीरियोडिक में काम अभी हुआ लेकिन रिकॉर्डिंग हम इकट्ठा करने के बाद में करेंगे, ये रहेगा। इसके अंदर बेसिकली मेन तीन मेथड पॉपुलर है आपका। फर्स्ट स्टोर लेजर में हम देखेंगे लास्ट इन लास्ट आउट, यानी इसको लीफो भी, सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको लीफो बोलते हैं हम। लास्ट एल इन आई एफ और ओ आउट, इसको लीफो के नाम से पॉपुलर है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो के नाम से, और लास्ट का हमारा एवरेज है। तो हम ये देखते हैं कि तीनों मेथड में भाई क्या फर्क है। सबसे पहले तो कहां पे काम चल रहा है ये पता चल गया हमें, इसके बाद तीनों मेथड्स में क्या फर्क है उसकी बात करते हैं। हम बात करें, अगर मान लो मेरे पास डेट है 10, 11, 12, 13, इस दिन मेरे पास 100 यूनिट है, इस दिन मेरे पास 200 यूनिट है, इस दिन मेरे पास 300 यूनिट है, इस दिन मेरे पास 150 यूनिट है, तीन डेट है।
मेरे गोडाउन के अंदर मुझे बताना, ये मेरा गोडाउन है। जो यहाँ का अकाउंटेंट है उसने सबसे लास्ट में कौन सा माल रिसीव किया होगा, गोडाउन के अंदर कौन सा माल आया होगा सबसे लास्ट में, 150 वाला आया होगा, ठीक है, सबसे लास्ट में ये आए और ये इसी को ही सबसे पहले, इसके पास सबसे लास्ट में ये आया तो इसके पास लिस्ट बन गया, 100 यूनिट का लिस्ट है, एक 200 यूनिट का लिस्ट है, एक 300 का, एक 150 का। अब सबसे लास्ट में हमारा ये वाला यूनिट गोडाउन के अंदर आया और आगे अगर शोरूम से ऑर्डर आता है और इसने सबसे पहले यही भेज दिया तो इसको इसने आउट कर दिया, और इसको इसने क्या करा, तो सबसे लास्ट में इन हुआ और फर्स्ट सबसे पहले उसको बेच दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, लीफो। बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो लीफो के अंदर हम ना नए वाले को पहले बेच देते हैं, न्यू प्रोडक्ट को, क्योंकि सबसे न्यू प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें, 13 तारीख वाला, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बेच देंगे या फिर आपका इशू कर देंगे, बेचना तो नहीं कहेंगे, इशू कर देंगे। अगला सेंटेंस है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इन डेट में से सबसे पहले तो हमारा ये वाला आया होगा, ठीक है, सबसे पहले ये वाला आया। अब जब बेचने का टाइम आया तो मैंने इसी वाले प्रोडक्ट को सबसे पहले आउट किया, तो फर्स्ट इन, जो पहले आया पहले उसको बेचिए आप, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इस तरीके का काम आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो प्रोडक्ट हमारे पास दो तरीके का, एक प्रोडक्ट है खराब होने वाला, एक्सपायरी डेट वाला कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, जिसका जितना कम एक्सपायरी बचेगा उसको जल्दी बेच के निकालो, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट कोई भी खरीदेगा नहीं, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सबसे पहले जो आया पुराने वाले को पहले बेच के निकालो। मान लो कि दवाई की दुकान है और दवाई की दुकान पे मान लेते हैं कोई मेडिसिन आए, मान लेते हैं करोसिन है, करोसिन इसने लिस्ट वाइज मंगवा रखा है, तो सबसे पुराना ये है ना, तो खराब तो यही होगा, सबसे पहले इसको बेचिए आप, तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगा। लास्ट इन लास्ट आउट वाले कौन से कॉन्सेप्ट में लगता है, कई बार क्या होता है हमारा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सपोज करो कंपनी पहले कोई प्रोडक्ट बेचा करती थी, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, और कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से न्यू टेस्ट लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, हर कोई बोल रहा है यार पहले वाला ठीक था, पुराने वाला क्या था हमारा, ठीक था। मान लेते हैं, आप मान लेते हैं कि किसी नूडल या मैगी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जो मान लेते हैं कि एक न्यू मैगी निकाला कंपनी ने और इस न्यू मैगी का किसी को भी टेस्ट ही नहीं पसंद है, और जो पुराने वाला है उसका टेस्ट हर किसी को पसंद आ रहा है, इसकी कीमत 10 रुपए है नई वाले की और पुराने वाले की भी कीमत कितनी है, 10 रुपए, ठीक है ना, और पुराने वाले का ओल्ड वाले का भी 10 रुपए। आप दुकान पे गए तो दुकानदार से आपने बोला कि भैया ये वाला नहीं, अगर पुराने वाला पड़ा है उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है वो, तो पुराने वाला स्टॉक की डिमांड ज्यादा है और इसकी डिमांड क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करके रखेंगे, मतलब जो सबसे लास्ट में है उसको नहीं बेचो, पहले नए वाले को बेचते जाओ। क्यों ऐसा करते हैं दुकानदार, जनरली बोलेगा भाई पुराना वाला तो अब मिल भी नहीं रहा, कहीं से मैं लेके आया हूँ 12 रुपए में मिलेगा आपको 10 वाला सामान, तो मैं क्या करूंगा उसको जनरली महंगा करके बेचूंगा, और कस्टमर को अगर टेस्ट आ रहा है तो 12 के 15 में भी लेगा वो, तो इसको मैं स्टोर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसे क्या कर पाऊँ, महंगे में बेच पाऊँ। तो कुछ जगह पे ये स्ट्रेटेजी फॉलो होता है, जहां पे क्या होता है हमारा, जो सबसे लास्ट में आया उसको बेच दो, पुराने वाले को संभाल के रखो, ये महंगा बिकेगा और ये दोबारा मिलने वाला भी नहीं है इस तरीके का, ठीक है। कई बार बुक्स वगैरह में हो जाती है, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एसएससी की तैयारी करते हैं, उनको पुराने करंट अफेयर्स की अगर बात करूं तो इनका एक होता है जनरल नॉलेज की बुक, तो कई बार इनके एग्जाम में पूछा जाता है कि 2019 की जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, अब तो 20 की मिल रही है भाई, अब ढूंढते फिरोगे कोई 19 की दे दो, 19 की दे दो, कहीं ना कहीं मिलेगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वो महंगा मिलेगा जनरली नए वाले से। तो ये होते हैं कई जगह पे, क्या होता है कि जो ये बिजनेस दुकानदार इसके अंदर बैठा ना स्टोर के अंदर, ये परेशान हो जाता है, माल की फ्रिक्वेंसी आने की दुकान में कुछ इस तरीके से रहती है और जाने का भी इस तरीके से रहता है, इंस्टेंट आया
और इंस्टेंट चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये लास्ट इन फर्स्ट इन लास्ट आउट का कॉन्सेप्ट का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट को लगा ही नहीं पाता, तो वो लेके चलते हैं एवरेज, वेटेड एवरेज, दोनों के जोड़ देते हैं और प्राइस को डिवाइड करके एक जनरली रेट निकाल लेते हैं। ये वो काम करते हैं जिनका बहुत फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, हमारा काम होता है, ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसको इन्वेंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, जिसको क्या मैंने नाम दिया, स्टोर लेजर, और ये एक गोडाउन के अंदर बनता है, एक अकाउंटेंट बनाता है। तो पहले हम लीफो एंड फीफो देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम वेटेड एवरेज, ठीक है। तो लीफो फीफो को एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके बुक का ही, उस एग्जाम्पल को पूरा सॉल्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके बुक का और 2.27 है क्वेश्चन में गिवन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट बाय लीफो एंड फीफो मेथड। तो लीफो और फीफो ना एक स्टैंडर्ड वर्ड है, ये एग्जाम में भी इस तरीके से बोला जा सकता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोला जा सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बोला जा सकता है। तो पहले मैं इसको लीफो से करूंगा, फिर इसी प्रैक्टिकल को मैं फीफो से करके दिखाऊंगा, और फिर मैं इसी प्रैक्टिकल को एवरेज से भी करके दिखाऊंगा, जिसमें हमारा तीनों मेथड क्या होगा, कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट एक बार समझें, डेट वाले कॉलम में किस डेट पे रिसीव हुआ या इशू हुआ उसका डिटेल रहेगा। रिसीव वाले कॉलम में कितने क्वांटिटी रिसीव की है, सपोज करो 200 यूनिट आया एक रुपए के हिसाब से, तो टोटल होगा 200 रुपए। इशू वाले कॉलम में कितने कितने यूनिट आपने इशू किया है, मान लेते हैं 300 यूनिट इशू किया है, और रेट क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा मेथड के ऊपर कि लीफो है या फिर फीफो है या वेटेड है। बैलेंस में जो भी होगा हमारा वो बच जाएगा। तो सबसे पहले आपके बुक में दे रखा है 1 जन 2015 में हमने 1000 यूनिट एक रुपए का हमारा रिसीव हुआ है, बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता तो मैं बैलेंस लिखता। तो यहां पे कहता है कि 1 जन को 1/1/2015 को हमने रिसीव किया है कितने यूनिट, 1000 यूनिट, और एक रुपए का है तो टोटल आ गया 1000। अब इशू वाले कॉलम में नहीं होगा कुछ भी, एक डेट पे एक ही ट्रांजेक्शन आपको गिवन होगा। तो यहां पे हमारे पास बैलेंस अभी बिका ही नहीं, तो मेरे पास बचा 1000, और 1 रुपए के हिसाब से क्या हो गया, 1000। समझ में आया पहले पॉइंट, ठीक है। लीफो है तो यानी न्यू वाले को पहले बेचेंगे, वो देखेंगे। इसके बाद मैं एक काम करता हूं, लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो कि किस तरीके से किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट बताओ क्या गिवन है आपको, 10 जनवरी 10/1/2015। अब यहां पे क्या कहता है, हमने फिर अगेन रिसीव किया कितने यूनिट, 260, कितने रुपए का, 1.05 का। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 273, ठीक है। अब इशू के कॉलम में अगेन ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कुछ किया ही नहीं है इसने। बैलेंस हमारे पास दो तरीके का स्टॉक बच गया। अब बोलोगे दो तरीके के कौन कौन सा, मैं बोलूंगा एक तो पुराना ये कंटिन्यू बचा हुआ ये 1000 यूनिट, और दूसरा मेरे पास 260 यूनिट और बच गए। दोनों का रेट अलग है, इसका और इसका रेट बिल्कुल अलग है, तो दोनों का अमाउंट भी भाई अलग ही आने वाला है, 1000 और इसका 273, ठीक है ना। चलिए ये डेट भी खत्म हो गया, नेक्स्ट डेट पे क्या किया देखते हैं, किस डेट पे, 20 तारीख को 20/1/2015 में इशू किया है, तो रिसीव वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब हमें सोचना पड़ेगा कि कितने यूनिट इशू किए हैं। 700 यूनिट इशू किया है, लीफो है तो सबसे पहले तो 260 ये वाला जाएगा, फिर रिमेनिंग जाएगा किस में से, 1000 में से, क्योंकि 700 किया है इसने, तो मैं पहले 260 नए वाले से लूंगा लीफो। अगर फीफो होता तो मैं इसी में से 700 ले लेता। मैं अभी क्वेश्चन करूंगा इसको दोबारा, तो 1.05 और इसका अमाउंट आया 273 रुपीज। अब मुझे 700 में से 260 का तो मैं भेज ही चुका हूं, कितने यूनिट और चाहिए, 400, जो कि हमारा जाएगा पुराने रेट वाला, ये आ गया हमारा 400। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं कस्टमर को नहीं बेच रहा ये सामान, ये सिर्फ मैं अपने शोरूम डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है।
अब देखो यहाँ पे दो तरीके का यूनिट नहीं बचा, अब पहले दो तरीके का था, अब बचा है सिर्फ एक तरीके का, यानी मेरे पास 560 यूनिट बचे हैं और वो भी इस वाले में से। तो 1 रुपए तो क्या आ गया, 560 रुपए। यहां तक समझ में आया आपको? अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे तो हम देखते हैं कि क्या है अगले पॉइंट में। बताइए क्या हुआ है? रिसीव हुआ, डेट बताइए। 21/1/15 क्या हुआ हमारा? रिसीव कितने यूनिट, क्वांटिटी में लिखा हमने 400, कितने रुपए का? 1.25 टोटल लगा, 15 15, तो टोटल करिए तो कितने का आ गया, 460। करिए एक बार, मल्टीप्लाई करिए, अगर हम 1.15 से करते हैं तो क्या आता है, 460। अब मेरे पास यहां दो प्रकार के स्टॉक हैं, एक है 560 जिसकी कीमत 1 रुपए है, और एक 400 जो कि अभी अभी मैंने लेटेस्ट परचेज किया है जिसकी कीमत 1.15 है। तो इसका तो वैल्यू 560 ही रहेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 460 रुपए। ठीक है, 21 के बाद हम अगले डेट पे चलते हैं, अगले डेट पे चलते हैं, 22 तारीख, 22/1/2015 कितने, क्या है यहाँ पे, अगेन रिसीव किया कितने यूनिट, 300। अब इसका भी रेट डिफरेंट है, 1.25 जो कि बनता है 375 का बन गया। ठीक है, ये कॉलम अगेन ब्लैंक रहेगा हमारा। अब तीन तरीके का स्टॉक हो गया, एक हो गया हमारा 560 1 रुपए वाला, एक हो गया 400 1.15 वाला, एक हो गया हमारे पास 300 1.25 जिसका रेट है 560 460 और 375 रुपए। तो इसी तरीके से हम यूनिट इकट्ठा होते जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या किया इसने, 23/3/2015 में इशू किए, कितने इशू किए इसने, 600। अब 600 क्योंकि लीफो है तो नए वाला 300 निकल गया। अब 320 हम इसमें से निकालेंगे, 320 तो अब इसमें से तो बचा भाई 1.25 का था, और जो 320 इसमें से निकाला 1.15। अब आपको रेट मेजर करना पड़ेगा, इसका तो 375 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करिए आप इन दोनों को आपस में तो क्या आता है बताइए, 360। नाउ आंसर, अब मेरे पास दो ही तरीके का स्टॉक, 8। अब हमारे पास दो ही तरीके के स्टॉक बचे हैं, एक 560 तो मेरा बचा हुआ ही है, 1 रुपए का 560, लेकिन इस 400 में से भी 320 निकल गए तो 80 यूनिट ही बच पाया मेरे पास 1.15 का, जो कि कितने वैल्यूएशन में रखता है, 92। अगले डेट पे चलते हैं, नेक्स्ट डेट क्या है हमारे पास, 24। इस दिन क्या किया हमने, अगेन इशू कर दिया 24 को, 24/1/2015 में, तो रिसीव वाला कॉलम तो ब्लैंक रह गया। कितने यूनिट इशू किए, 240। तो पहले आप तो 80 यूनिट पूरा नए वाला बेचिए जिसका कीमत है 92। अब हमें और कितना चाहिए, 240 में अगर हमारा 80 निकल चुका है तो 160 और, तो ऑब्वियस है कि 160 हमारा पुराना वाला होगा जिसका रेट 1 रुपए है, तो कितना बचेगा हमारा, अब मेरे पास ये तो नहीं बचा, इसी में से बचा हुआ है, तो 160 तो निकल ही गया, तो इसमें से भी कितना बचा हुआ है, और 1 रुपए का ही वैल्यू रहेगा हमारा, 400। नेक्स्ट डेट पे चलते हैं अब हम, 25 को, अगेन 25 को इसने रिसीव किया है, 25/1/2015 500 यूनिट रिसीव किया, बट रेट क्या है, 1.10, तो ये आ गया 550। ठीक है ना, यहां ब्लैंक रह गया हमारे पास, यहां पे दो तरीके का स्टॉक हो गया, एक 400 एक 500, ये 1 रुपए ये 1.1, इसकी वैल्यू 400 और इसकी वैल्यू 550। नेक्स्ट देखते हैं क्या किया इसने बताइए, अगेन इसने इशू कर दिया, कितने यूनिट इशू किए इसने, 300
80 यूनिट इशू कर दिए 26 तारीख को। 380 यूनिट इशू कर दिए, तो आपको ध्यान देना है 380 इसमें से जा सकता है इजीली। 380 इशू कर दिए तो बचे हमारे 1.1 में से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा बताइए। 418, 418। अब मेरे पास जो बचेगा इस 500 वाले में से, पहले तो 400 तो है ही है भाई मेरे पास, 1 रुपए वाला। अब इस 500 में से 380 तो निकल ही गए, तो 120 बचा, और वो भी कितने वाला, 1.1 वाला। तो इसका कीमत हमारा 400 रुपये रहेगा, और इसका कीमत निकालिए मल्टीप्लाई करके, 120 और 12, 132, ठीक है। तो हमारे पास 26 तारीख को हमने इशू किया 380, लास्ट हमारे पास यही यूनिट था। अब हमारा आंसर चेक करना है या किस तरीके से हमें सॉल्यूशन का आंसर देना है, तो लास्ट हमसे एग्जामिनर पूछेगा कि आप एज पर मेथड तो कर रहे हैं, लेकिन हमें आप जवाब दीजिए कि आपके पास लास्ट में जो बैलेंस बचा हुआ है वो बैलेंस कितना है स्टॉक का। तो मेरा जवाब है सर, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बचा हुआ है 532 रुपए, और यूनिट में पूछा जाए तो 520 यूनिट पूछा जा सकता है, ठीक है लास्ट का आंसर। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है, बताओ पूरे मंथ में आपने टोटल कितने यूनिट इशू किए हैं, तो मैं इशू वाले कॉलम का टोटल कर दूंगा। ये भी पूछा जा सकता है कितने रुपए के इशू किए हैं, तो मैं टोटल वाले कॉलम का इसको टोटल कर दूंगा, और उसको इजिली मैं आंसर दे सकता हूँ। तो ये कौन सा था हमारा, लिफो। लिफो, तो एक बार लिफो को नोट करिए, फिर इसके बाद सेकेंड मेथड करेंगे फीफो, उसमें देखते हैं किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम फीफो मेथड से देखते हैं। मैंने फॉर्मेट पहले वाला ही यूज कर रहा हूं, मैंने बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1 जैन 2015 को रिसीव किया है इसने, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 जैन 2015 को रिसीव इसने 1000 क्वांटिटी किए हैं 1 रुपए के हिसाब से, तो 1000। तो यानी फर्स्ट ईयर में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लीफो है फर्स्ट डेट पे, कि लीफो है फीफो है। लीफो या फीफो का इम्पैक्ट उस टाइम आता है जब इशू किया जाता है हमारा स्टॉक को, ठीक है। चलिए अब सेकेंड डेट पे हमने फिर से रिसीव किया था, डेट क्या था हमारा सेकेंड, 10 जनवरी 2015। कितने यूनिट रिसीव किए थे, 260, और हमारा था 1 रुपए 05, जिसका रेट क्या आ रहा था, 273, ठीक है। तो अभी भी आपको ना पता नहीं चलेगा कि भाई ये लीफो मेथड चल रहा है फीफो, पहले जैसा ही है। अब यहां दो तरीके के स्टॉक हो गए, 1000 और 1 260। तो 1000 हमारा आ गया यहां पे 1 रुपए, और 1.05, 273 एंड अनदर 1000, ठीक है। चलिए थर्ड डेट पे आते हैं, थर्ड डेट क्या है हमारा, 20 1 2015। इस डेट पे इसने क्या करा, इशू कर दिया। तो इशू 700 यूनिट किए हैं, क्योंकि तो इस फीफो है, तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले तो ये है, तो पहले इसको बेच इशू करिए आप, तो यहां पे 700 डायरेक्टली बिक जाएगा 1 रुपए। तो आप पहले वाले एग्जाम्पल को जो नोट किया है आपने और इसको देखेंगे, तो सबसे मेजर डिफरेंस यही नजर आएगा कि पहले क्या था हमारा, कौन सा वाला बेचा गया था, लास्ट वाला यानी 260, लेकिन फीफो है तो इसलिए पहले 1000 में से, तो अब मेरे पास इसमें से तो 300 बचेंगे, और 260 पे हमने बेचा नहीं, एज इट इज पड़ा हुआ है 1.05 के हिसाब से, और ये 1 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गया हमारा 273। इसके बाद कौन सा डेट है हमारा बताइए, 21 1 2015। इस डेट पे क्या किया मैंने, कितने यूनिट हमने रिसीव किए, 400। कितने रुपए का, 1.15, जो कि आ गया था 460। अब तीन तरीके के स्टॉक हो गए, 300 260 और 400, 1.15, 1.05, 1, तो 300, 273, 460, ठीक है। 21 के बाद कौन सा डेट आया हमारे पास, 22 तारीख। 22 तारीख को क्या किया हमने बताइए, 22 तारीख को मैंने रिसीव किया है, तो रिसीव किया मैंने 300 यूनिट, रेट था 1.15,
25, जो कि 375 का पड़ा हमें। तो अब हमारे पास देखो स्टॉक की कैटेगरी चार तरीके का हो गया, एक हो गया 300, एक हो गया 260, एक हो गया 400 और एक लेटेस्ट खरीद लिया 300। ये 1.25, 1.15, 1.05, 1 रुपीस। तो 300, 273, 460 और 375, ये रहा हमारा इसका डिटेल। ठीक है, आगे देखते हैं 22 के बाद क्या था। 23 इस डेट पे इशू कर दिया हमने 600। अब 600 में सबसे पहले तो 300 निकाल के बाहर करिए आप। अब 300 और चाहिए तो 260 निकाल के बाहर करिए, और 40 चाहिए तो 40 इसमें से निकाल के बाहर करिए। तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट डेट है, 1, 1.15, 1.25। तो इसका तो 300, इसका अच्छा ये 1.05 है। हाँ क्या है, कितने टोटल इशू किए हैं, 620 है तो चलो ठीक है 60। अब बताइए आप, ये 1.15 वाला होगा है ना, तो इसको बस मल्टीप्लाई कर दो आप 69। ठीक है, अब जो हमारे पास स्टॉक बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, और इसमें से भी 60 चले गए तो 340 बचेंगे। ठीक है, और इसमें से 300, तो 1.25 वाले तो पूरे ही पड़े हमारे पास 375। ये 1.15 वाला पड़ा हुआ है, कितना होता है बताइए, 391। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। इसमें अभी स्टोर शॉर्टेज या रिटर्न टू स्टोर ये सब मैं अभी नहीं लिख रहा, सिर्फ सिंपल सिंपल आपको पता चल जाएगा इससे कि हमें कैसे करना होता है। 23 के बाद 24 तारीख को 24 इशू कर दिए, कितने यूनिट, 240। देखिए अब इसमें से 240 जाएगा और उसका रेट रहेगा 1.15, तो बताइए कितने बचे, मल्टीप्लाई करिए आप, क्या आया, 276। ठीक है, अब हमारे पास जो बैलेंस बचा है ना, 100 तो इसमें से और 300 इसमें से, तो ये 1.15 जो कि होता है 115, और ये 300 का 1.375। अगेन इसने रिसीव किया कब, 25 को, बताइए कितने का रिसीव किया, और जिसका कीमत, जिसका रेट 550 रुपये। अब तीन तरीके का, 100 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट, 1.15, 1.25, 1। तो इसकी कीमत 550, इसकी 375 और इसकी कीमत क्या है, 115 रुपये। अब इशू कर दिया इसने 25 के बाद 26 को, 380 यूनिट, तो 380 में 100 इसमें से लो आप 1.15 वाले, इसके बाद 280 इसमें से लो 1.25, तो बताइए कितने बचे, 115, इसको मल्टीप्लाई करिए 280 इंटू में 1.25, 350। करेक्ट, अब हम इसको आगे लेके चलें तो हमारे पास जो बचा 20 यूनिट बचे इसमें से, और तो आप अगर यूनिट को चेक करेंगे ना, तो चाहे लीफो हो चाहे फीफो हो, बचेंगे आपके टोटल यूनिट सेम, पहले भी 520 था, अब भी हमारा 520 है, लेकिन रेट का फर्क हो जाएगा। अब 20 यूनिट बचा हमारा 1.25 वाला और 1.1 वाला, तो 550 और इस 25, ये हमारा हो गया कौन से मेथड से, ये हमारा फीफो मेथड से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको भी आप नोट करिए, फिर हम इसके बाद देखेंगे वेटेड एवरेज। चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं वेटेड एवरेज से। वेटेड एवरेज के अंदर क्या रहेगा आपका, सेम फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये मैंने अब करने जा रहा हूं यहां पे वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। ठीक है, आपके बुक में सेम ही क्वेश्चन ले रहा हूं, तो सबसे पहले 1 जैन को 1/1/2015 को, जैसे आपके बुक में मेंशन है क्वेश्चन में कि 1000 यूनिट खरीदा इसने 1 रुपए के हिसाब से, जिसकी कीमत आई 1000 रुपए। अब इशू तो किया नहीं तो बैलेंस बच गया, तो
फर्स्ट एंट्री में तो देखो जनरली पता नहीं होता। एक बात और याद रखना है आपने कि कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको बैलेंस दे दे, तो आपने यहाँ पे बैलेंस लिखना है और डेट लिखना है, और डेट के बाद डायरेक्टली आपको किस कॉलम में आ जाना है, बैलेंस वाले कॉलम में, ठीक है। इसके बाद अगेन इसने परचेज किया, आप देखो यहाँ पे ना वेटेड का इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिलता है, यहाँ भी देखने को मिलता है। बेसिकली लीफो और फीफो इशू वाले में देखने को मिलता है, वेटेड का बैलेंस वाले में देखने को मिलेगा। तो हमने फिर से परचेज किया कब, 10 तारीख को। तो मैं इसको एक बार अलग अलग करता जाता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो 10 तारीख को मैंने फिर परचेज किया, कितने यूनिट परचेज किए थे, 300, सॉरी 260 यूनिट, ठीक है ना। तो 10 तारीख को, 10/1/2015 में 260 यूनिट 1.05, जिसकी कॉस्टिंग आई थी 273। अब देखना वेटेड का इम्पैक्ट कैसे दिखेगा। अब हमें अलग अलग नहीं लिखना कि नए वाला पुराने वाला, अब दोनों यूनिट को प्लस कर दो, 1000 और प्लस में 260, जिसका कीमत आ जाता है 1200, सॉरी यूनिट आ गया 1260। अब दोनों प्राइसेस को भी प्लस करिए आप, 1273। सबसे पहले मेजर डिफरेंस, पहले क्या करते थे, अलग अलग लिखते थे, अब दोनों रेट को प्लस करिए और दोनों प्राइस को प्लस करो। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसमें से इसको डिवाइड करो, तो एक रेट जनरेट होगा। वो रेट जो होगा उसको वेटेड एवरेज रेट बोला जाता है। तो 1272 डिवाइडेड बाय, तो ये रेट जनरेट हुआ हमारा 1.010। जनरली इसके अंदर आंसर में 10-20 रुपए का फर्क चलेगा, आएगा फर्क, क्योंकि हम पूरे फ्रैक्शन को नहीं ले रहे। इसके बाद क्या हुआ, थर्ड डेट पे क्या करा हमने बताइए, 20 जनवरी, क्या करा हमने, 700 यूनिट इशू कर दिया। यहां पे टेंशन ही नहीं है, 20 जनवरी 2015 में, देखो यहां बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमें इशू कौन से वाले करना है, नए पुराना। हम तो सीधा क्या करेंगे, 700 यूनिट और 1.010 से लेंगे। तो अगर मैं 700 यूनिट 1.010 लूं, 700 इंटू 1.010, तो 707 रुपए बने हमारे। अब समस्या पता है कहाँ आएगा, हमारे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे पॉइंट में डिफर आ जाएगा। तो हमारा 1260 में से बचे तो 560 तो हमें पता है, लेकिन आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क आ सकता है। तो आप बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे रेट रखो 1.010। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कई बार आप क्या करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रेट क्या आएगा, कुछ और। तो इससे बेटर क्या है कि आप इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि सामान इतने का था और इतने का आपने इशू कर दिया, तो बाकी बैलेंस इसी का बचा होगा। आप दोनों में डिफरेंस आएगा, देखो मैं एक बार करके देखता हूं, 1273 माइनस में 707, तो मेरा रिजल्ट जो आया वो 566 का आया है। लेकिन अब मल्टीप्लाई करूंगा ना 560 इंटू में 1.010, तो मेरा रिजल्ट आ गया 565 रुपए का। तो थोड़ा फर्क चलता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास 21st को, 21/1/2015, बल्कि उन सबसे इजी है ये, कितने रिसीव करे इसने और रुपए था 1.15 का, तो ये आ गया 460। अब बताइए कैसे करेंगे, सोचिए यूनिट को जोड़िए आपस में, तो 400 यानी 900, प्राइस को आपस में जोड़िए 566 और 400, जो आ गया 1026। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, किससे, इसको कर देते हैं 960 से। अगेन रेट आया मेरे पास 1.068 से समथिंग आगे, लेकिन मैं इतने डिजिट तो ले नहीं सकता, तीन डिजिट दो डिजिट के बाद ही हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया खत्म। इसके बाद अगेन इसने क्या करा, फिर से बताइए क्या करा इसने नेक्स्ट डेट पे, अगेन रिसीव कर लिया इसने 22 जनवरी को। अब रेट आप ध्यान रखना कैसे निकाला जाएगा, तो इसने अगेन 300 यूनिट रिसीव किया है 22 जनवरी, तो देखो उससे कम स्पेस भी ले रहा है मेरे हिसाब से, तो 300 कितने नेट 1.25, 375। अब एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ, दोनों यूनिट को जोड़ियो, क्या 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 यूनिट होगा, 960 और 300 क्या होंगे, 1260, इसको तो ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। और दोनों के अमाउंट को जोड़ना है बताइए, 1401। अब न्यू रेट कैसे निकालेंगे, 1401 डिवाइडेड बाय बताइए 1.15,
111 ये आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डेट पे चलते हैं, 22 के बाद 23। अगेन क्या करा उसने, इशू कर दिए इसने 23 तारीख को। यहां पे पता है क्या, हमें हमें सोचना ही नहीं पड़ रहा कि इशू कितने का किया है। सिंपल, हमें पता है कि भाई 600 यूनिट कितने करे, 600, 620, और रेट होगा 1.111, ठीक है। अब इसका बताइए क्या कॉस्टिंग आ रहा है, 68.82, 82 को छोड़ देते हैं, 688 ले लिया। अब मेरे पास बचा 1260 में से 620 चले गए, तो 640। अब रुपीस तो हम यही रखेंगे 1.111, लेकिन इसका जो अमाउंट रखूंगा ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं मैं। बताइए कितना है, 713, ठीक है। चलिए 23 के बाद 24 को फिर से इसने क्या करा, 240 यूनिट फिर से अगेन इसने इशू कर दिया, 24/1/2015, 240। अब देखो समस्या नहीं है कौन सा जाएगा, रेट तो यही रहेगा, लास्ट रेट 266। नाउ मेरे पास बैलेंस बचेगा 600 में से 240 गए तो 400, और रेट आएगा 1 पॉइंट, अब बताइए 447, माइनस करके बताया। अब आप चेक कर भी सकते हैं कि एक बार इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो 3-4 रुपए का डिफरेंस आते आते फिर लास्ट में 10-20 रुपए तक पहुंच जाता है वो, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि डिफरेंस लेते ले लो। आप क्या करो, उसका माइनस करके एक डिजिट निकाल लो, 25 को और फिर 26 तारीख है ना, 25 तारीख को रिसीव किया है 501 रुपए 10 पैसे का। अब इसका एवरेज रेट कैसे निकाले, 400 और 500 और दोनों के रेट को प्लस करो, 997, ठीक है, डिवाइड करो 1.107। किसी को इसमें डाउट क्या, नहीं, लास्ट एंट्री है, कितने यूनिट, 380 यूनिट। डेट क्या है, 26/1/2000। अब इशू किया 380, रेट रहेगा 1.0107, बताइए 420। अब बचे कितने मेरे, और 1.0 बताइए, डिफरेंस 5, ठीक है, ये हो गया हमारा वेटेड का, ठीक है। तो वेटेड तो बड़ा सिंपल था, बस आपको बैलेंस का रेट निकालना आना चाहिए। तो अब इसको भी नोट करना है आपने, एक पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, या सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारा रिटर्न टू स्टोर। और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है शॉर्टेज, ठीक है। रिटर्न टू स्टोर और शॉर्टेज, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले रिटर्न टू स्टोर देखते हैं। अगर मैं स्टोर की बात करूं, तो जैसे मान लो ये आपका गोडाउन है, ठीक है, और ये आपका ऑफिस है, दोनों अलग अलग है। आपने जो सामान इसको भेजा है, इसको हम कॉल करते हैं इशू, इसको क्या बोलते हैं हम, इशू। और अगर मान लो शोरूम में, शोरूम वालों को कुछ इसके अंदर डिफेक्ट मिला, तो वो वापस गोडाउन में भिजवा देंगे। तो यहां से ये सामान वापस आ जाएगा जो आपने भेजा है, इस वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिटर्न। और कहां आया, स्टोर रूम में, तो रिटर्न टू। तो मेन कंसर्न है भाई किस रेट का है, तो जिस रेट से आपने इसको सामान दिया है उसी रेट से क्या होगा, वो
वापस आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी मेथड हो, लिफो फिफो जो भी रेट जा रहा हो, मान लो 10 रुपए वाले यूनिट दिए आपने तो वापसी आएगा तो 10 वाला आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 दिए तो 10 के 10 आ जाए, मे बी 2 आ जाए 3 आ जाए, तो उस हिसाब से करेंगे। क्लियर है? तो रिटर्न टू स्टोर एक तरीके से हमें ट्रीटमेंट जो करना है वो करना है रिसीव वाले कॉलम में, क्योंकि वापसी आएगा तो मैक अल्टीमेटली क्या करेगा, स्टोर कीपर रिसीव करेगा, तो रिसीव में लिखेगा क्वांटिटी अमाउंट और फिर से हमारा सिचुएशन पूरा वो रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्टेज। शॉर्टेज एक तरीके से हमारा सेल्स होता है, सेल्स। अब शॉर्टेज होता क्या है, जनरली मान लो स्टोर कीपर को अपने सारे स्टॉक के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, दिमाग से निकल गया, शोरूम ने बोला भाई माल भिजवा दो अर्जेंट है, लेकिन गोडाउन में माल है नहीं, स्टोर कीपर ने फोन उठा के बोल दिया ठीक है मैं भिजवा देता हूं। तो ऐसे सिचुएशन में गोडाउन में माल है नहीं और मुझे भिजवाना भी पड़ सकता है वहां पे, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टेज। तो स्टोर कीपर कई बार क्या करता है, कहीं और से अरेंज करके वहां पे भिजवा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेज। तो शॉर्टेज का मतलब है कि यहां से माल यहां जाएगा, तो ये किस तरीके का है, रिसीव या इशू, इशू। तो शॉर्टेज को हमें हमेशा जब सॉरी इसको सेल नहीं मानना, शॉर्टेज को सेल मानना है, तो ये काइंड ऑफ हमारा इशू के तरीके से ट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना, अब इशू जब करेंगे तो अगेन वेटेड है तो वेटेड के हिसाब से करना, लीफो है तो लीफो के हिसाब से, और फीफो है तो फीफो के हिसाब से। आपके बुक में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 28, 2.8, 2.28। ठीक है, सबसे पहले कौन सा मेथड करना है बताओ आप, लीफो करना है। ठीक है ना, तो मैं लीफो के हिसाब से, लीफो में न्यू वाला पहले बेचना होता है, सबसे पहली डेट बताइए क्या है, 1 अप्रैल 1/4 को 2000, 2000, चलो ठीक है 1 अप्रैल। बताइए क्वांटिटी, अब ये 500 ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक इन हैंड, कितने रुपए का टोटल आ गया, फर्स्ट कंप्लीट। अगले पॉइंट की बात करें, 3 अप्रैल, 3/4 लिख देता हूं, क्या करा है इसने बताइए, 200। तब यहां लिफो फिफो तो लग ही नहीं रहा, 200 यूनिट इशू कर दिया सीधा 20 के हिसाब से, 4,000 बचे मेरे पास और 20 के हिसाब से बच गए 6,000। चलिए नेक्स्ट है, डेट क्या है, 3/4 को ही अगेन परचेज, कितने, 22 रुपए के हिसाब से, कितने हो गए ये, 150 यूनिट 22 रुपए के हिसाब से, बताइए 3,300, 3,300। यहां ब्लैंक रहेगा, अब हम अलग अलग यूनिट करेंगे क्योंकि मेथड अलग है, ये 20, 6,000, चलिए इसके बाद किस डेट पे, 4 तारीख को 200 यूनिट, तो 100 है तो भाई फीफो है तो 150 में से करेंगे 22, लीफो है फीफो है सॉरी लीफो है तो, लीफो है तो 150 में से करेंगे 300 बच गए, और यहां 50 बचा 1,100। ठीक है ना, चलिए आगे क्या कहता है, 5 और 4 को परचेज के कितने यूनिट,
कितने रुपए का? 5,000। 3 तरीके का स्टॉक हो गया, 300 यूनिट, 50 यूनिट, 20, 22, 25, 6,000, 1,100, 5,000। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। 6 अप्रैल को क्या करा है हमने? 300 यूनिट, तो ये तो ब्लैंक रह गया। 300 में से 200 बेचेंगे हम और 50 बेचेंगे हम और 50 बेचेंगे हम, तो ये तो हो गया हमारा 5,000, ये हो गया हमारा 1,100 और ये हो गया हमारा 1,000। अब जो मेरे पास बचा है सिर्फ 250 ही यूनिट बचे हैं और वो भी 20 वाला, तो 5,000 रुपए का। नेक्स्ट क्या किया हमने? ऐसे सिचुएशन में एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शॉर्टेज ना लास्ट में गिवन होता है कई बार, लाइन लास्ट, तो वो डेट ध्यान रखना है किस डेट पे शॉर्टेज हुआ है। शॉर्टेज किस डेट पे हुआ है? 10 अप्रैल। तो हमें याद रखना है कि सारी एंट्री के बाद नहीं, 10 अप्रैल जब डेट आएगा तो उसी दिन हम शॉर्टेज को दिखाएंगे, ठीक है ना। अब बताइए क्या है? 6 तारीख को ही रिटर्न है, तो 6/4 को रिटर्न टू स्टोर रिसीव के तरीके से काम होगा, जो कि किस तारीख को बेचा गया था ये चेक करिए। 4 तारीख को कितने यूनिट? 10 यूनिट। अब 4 तारीख को बेचा गया था 100, 22 वाला, तो हम यहां 22 वाले से, यही है ना हमारा। अब बैलेंस हमारे 2 तरीके के स्टॉक हो गए, एक हो गए 250 वाला, एक 10, ये 22 का हो गया और ये 20 का हो गया। तो देखो रिटर्न टू स्टोर का बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट, ये आ गया 5,000 और ये 200, 20, 30, 20। चलिए नेक्स्ट डेट पे क्या है? 100 यूनिट इशू कर दिए, तो भाई पहले मैं 10 यूनिट करूंगा और 90 करूंगा, 22 वाला, 20 वाला, 1,800 और 200। यहां पे जो मेरे पास बचेगा 160, 3200, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आठ तारीख को बताइए कितने यूनिट? बस 50, तो कौन से वाला होगा? 20, 1,000, कौन सा बुक? वो रे बुक दे रहा हूँ, तो 1,000 हो गए। अब हमारे पास जो बचा है वो 110, 20 वाला, 2,200 का। चलिए अगले डेट पे बताइए कौन सा डेट है? शॉर्टेज, 10 तारीख को शॉर्टेज आया, 10/4 को, तो शॉर्टेज को सेल की तरह ट्रीट करना है, तो कितने यूनिट? तो अब देखो लीफो होता या फीफो होता बचा तो एक ही यूनिट है, दो तीन होता तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो 20 रुपए के हिसाब से 200 और यहां बच गया मेरा 100 और 20 के हिसाब से 2,000। समझ में आया शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट? आगे क्या है? कंप्लीट। तो हमारा जो आंसर है वो 100 यूनिट बच गए 2,000 के हिसाब से। लीफो अगर होता, लीफो तो है ही है, फीफो होता तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरे क्वेश्चन को कर लेते। तो इस कॉन्सेप्ट में मेरे मुझे बस मेन एक पॉइंट समझाना था कि रिटर्न टू स्टोर अगर होता है तो रिसीव कॉलम में जाता है, जिस रेट पे हमने इशू किया था उसी रेट पे रिटर्न लेना है, लेकिन शॉर्टेज की बात करें तो वो इश्यूज होता है और वो एज पर मेथड होगा, चाहे लीफो हो, चाहे फीफो हो, चाहे वेटेड हो, उसके मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसको नोट करिए आप,